आई एम अजय एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश ब्रो। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है 500 और 1000 रुपये के नोट का प्रचलन से बाहर हो जाना। 500 एंड 1000 रुपये नोट्स विल नॉट बी इन लीगल टेंडर फ्रॉम टुडे। दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ अंग्रेजी में ऐसी क्रियाएं जो किसी कार्य को करने से निषेधित करती हों या मना करती हों। पहला वर्ड है बैन। बैन का अर्थ है दोस्तों प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट स्पेशली बाय लीगल मीन्स और सोशल प्रेशर। एग्जाम्पल दोस्तों है 500 एंड 1000 रुपी नोट्स आर बैंड इन इंडिया। नेक्स्ट वर्ब हम देखेंगे प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का अर्थ होता है कानून नियम आदि से निषेध करना या मना करना। फॉर्मली फॉरविड समथिंग बाय लॉ। एग्जाम्पल है दोस्तों इंडियंस आर प्रोहिबिटेड टू यूज 500 एंड 1000 रुपी नोट्स। नेक्स्ट वर्ब हम सीखेंगे फॉरविड। फॉरविड का अर्थ होता है किसी को कोई काम करने से मना करना। रिफ्यूज टू अलाउ टू डू समथिंग। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट फॉरबिड पीपल टू एक्सेप्ट 500 एंड 1000 रुपी नोट्स। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर है दोस्तों स्टॉप। स्टॉप का अर्थ आप जानते हैं रोकना या करने से मना करना। कम टू एन एंड। इट मे बी एन इवेंट, एक्शन और प्रोसेस। एग्जाम्पल है दोस्तों 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स हैव बीन स्टॉप्ड इन द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। कानून द्वारा कोई कार्य निषिद्ध करना, फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ। एग्जाम्पल है दोस्तों 500 एंड 1000 रुपी नोट्स आर प्रोस्क्राइब्ड फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरडिक्ट। इसका भी अर्थ होता है रोकना या किसी कार्य से मना करना, प्रोहिबिट और फॉरबिड समथिंग। इट्स अ गुड डिसीजन टू इंटरडिक्ट 500 एंड 1000 रुपी नोट्स टू बी लीगल टेंडर। दोस्तों, यह भी आपको यही सिखाता है कि किस प्रकार किसी चीज को मना करना है। लीगल टेंडर यहाँ एक वर्ड दिया गया है। इसका इस्तेमाल होता है धनराशि या मुद्रा का वित्तीय प्रचलन में उपयोग होने से। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बार। बार का अर्थ है कुछ करने पर प्रतिबंध लगाना या रोकना। प्रिवेंट और प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दोस्तों ध्यान रखें, बार का इस्तेमाल हम पर्सन के लिए करते हैं जबकि बैन का इस्तेमाल हम थिंग के लिए करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इंडियंस हैव बीन बार्ड टू यूज 500 एंड 1000 रुपी नोट्स। नेक्स्ट वर्ड है निक्स। कैंसिल करना या खत्म करना, पुट एन एंड टू और कैंसिल। एग्जाम्पल है दोस्तों आई निक्स द डील जस्ट आफ्टर पीएम मोदीज स्पीच। मैंने अपना सौदा पीएम मोदी की स्पीच के बाद ही रद्द कर दिया या कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिसअलाउ। इसका अर्थ है मानने से इनकार करना। रिफ्यूज टू डिक्लेयर वैलिड। एग्जाम्पल है नाउ द करप्शन इज डिसअलाउड इन अवर कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आउट लॉ। गैर कानूनी घोषित करना, बैन और मेक इलीगल। एग्जाम्पल है दोस्तों 500 एंड 1000 रुपी नोट्स आर आउट लॉड फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वर्ड है डी बार। किसी व्यक्ति को कुछ करने से कानूनन मना किया जाना, प्रोहिबिट समवन स्पेशली फ्रॉम डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल है दोस्तों नाउ द टैक्स एवेडर्स आर डी बार टू पे बिग अमाउंट इन कैश। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज का अर्थ है समाप्त करना, टू पुट एन एंड। एग्जाम्पल है दोस्तों 500 एंड 1000 रुपी नोट्स सीज टू बी लीगल टेंडर फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीक्लूड। प्रतिबंधित करना, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। एग्जाम्पल है दोस्तों द सडन अनाउंसमेंट प्रीक्लूड द करप्ट पीपल टू यूज देयर ब्लैक मनी। तो दोस्तों इस प्रकार आज के हमने शब्द सीखे हैं जो किसी कार्य को करने से मना या प्रतिबंधित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये लेसन आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।